नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के हम खबरों पर। टेरर फंडिंग मामले में रविवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के चार जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में चार व्यापारियों के घर पर छापेमारी की। पुलिस और सीआरपीएफ के साथ एनआईए के अलगाववादी नेता सज्जाद लोन ने करीबी व्यापारी आसिफ लोन, तनवीर अहमद, तारिक अहमद और बिलाल भट्ट के घर पर छापेमारी की। बरामद दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी का हैदराबाद में निधन हो गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुखार और निमोनिया से वो पीड़ित थे। शनिवार को जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें एआईजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन देर रात 2:30 पर हुआ। भारत में इन दिनों मानसून अपने चरम पर है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बारिश का प्रकोप जारी है। लगातार हो रही बारिश की आशंका चलते मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तंग राज्य बिहार, महाराष्ट्र और असम है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में बारिश का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। कोंकण, गोवा और गुजरात के कुछ इलाकों में रविवार को भी भीषण बारिश की आशंका बनी हुई है। इन इलाकों में तेज बारिश होने के आसार है। होटल के कमरे से सामान चुराने वाले भारतीय पर्यटकों का बेहद शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2:20 का ये वीडियो इंडोनेशिया के बाली का है, जिसमें होटल का एक कर्मचारी रिजॉर्ट के बाहर भारतीय परिवार के बैग्स की तलाशी ले रहा है। पहले तो भारतीय परिवार ने होटल स्टाफ के साथ बहस की, लेकिन बावजूद इसके होटल कर्मचारी उनके सामान की तलाशी लेता रहा। उसने वो सब चीजें बाहर निकाली जो भारतीय परिवार ने होटल के कैमरे से चुराई थी। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने 27 वर्षीय तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। अकरम के अनुसार आमिर को इतनी जल्दी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लेना चाहिए था। अकरम ने ट्वीट किया कि मेरे लिए मोहम्मद आमिर का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना थोड़ा अचंभे में डालने वाला है, क्योंकि 27-28 की उम्र में आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और टेस्ट क्रिकेट में किए गए प्रदर्शन के आधार पर ही आपका आकलन किया जाता है। ये सबसे बड़ा फॉर्मेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण पर कहा कि हमारी सरकार जल नीति के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पानी के विषय ने इन दिनों हिंदुस्तान के दिलों को झकझोर दिया है। सरकार और एनजीओ जल संरक्षण के लिए युद्ध स्तर पर कुछ न कुछ कर रहे हैं। इनका शानदार उदाहरण झारखंड का आरा केरम गांव है। वहीं मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसे अपनी जल नीति तैयार की है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में उन फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें कम पानी की जरूरत होती है और किसान को भी कोई नुकसान नहीं होता है। सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर टिकटॉक वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। तेलंगाना के करीम नगर में स्वास्थ्य विभाग के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इन कर्मचारियों ने जिला अस्पताल परिसर में टिकटॉक वीडियो बनाया था। ये वीडियो शनिवार को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने जिला अस्पताल के जूनियर असिस्टेंट के समथा टी दिव्यमणि और लैब अटेंडेंट वाई लक्ष्मी को सस्पेंड कर दिया। एक शख्स को सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के ई कार्ड बनाना महंगा पड़ गया। गुजरात में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। शख्स पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और जेल में बंद बलात्कार के दोषियों आसाराम और राम रहीम को ई कार्ड के जरिए फर्जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य दिखाया। आरोपी शख्स ने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि सोशल मीडिया पर इमरान खान, आसाराम और गुरमीत राम रहीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्हें मेंशन भी कर दिया। इसे जारी करने के बाद ये पोस्ट को वायरल भी हुआ। आरोपी शख्स का नाम गुलाम फरीद शेख बताया जा रहा है। चेन्नई में रविवार तड़के हुए बस हादसे में 2 परिवहन कर्मचारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब डिपो पर रोडवेज बस की मरम्मत की जा रही थी। इस दौरान जब हादसे का शिकार हो गई और मौके पर ही 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 5 कर्मचारी घायल बताया जा रहा है। घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कार को आगे न निकलने के कारण वज्र वाहन के सिपाही की वर्दी उतारने वाले जज
संतोष कुमार यादव का ट्रांसफर हो गया है। संतोष कुमार यादव का ट्रांसफर बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा स्थित डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मयंक कुमार जैन ने जज के तबादले का आदेश दिया। आगरा पुलिस लाइन में तैनात ड्राइवर घोरे लाल ने पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार से शिकायत की थी कि एक न्यायिक अधिकारी ने शुक्रवार को कोर्ट में बुलाकर उसकी वर्दी उतरवा दी थी। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए ऑन एन न्यूज पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।